एक गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो 2 घंटे 30 मिनट में चली दूरी निकालो। तो दूरी चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 3 से गुणा करेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 × समय। तो दूरी चाल कितनी है? 5 मीटर 1 सेकंड इंटू समय कितना? 2 घंटे और 30 मिनट। तो 30 मिनट का भी आधा घंटा, 30 मिनट का आधा, 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे, है ना? तो 5 मीटर है ना, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए इसमें 1000 का भाग लगा दो। और 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 3600। तो इसमें 3600 का भाग लगा दो, फिर गुणा में 2 × 4 = 5, 5/2 है ना। तो ये 2 जीरो से, तो ये जो 2 जीरो गई है ना, या चाहो तो उलट गुणित कर लो। चलो अभी मत काटो, उलट गुणित कर लेते हैं ना। क्या हो जाएगा ये 5/1000 और 3600 ऊपर चला गया और नीचे 1, गुणा में कितना? 5/2। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 5 से कट गया, 5 × 10 है ना, 2 से कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 2, 8 = 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कट गया, 2 × 8 = 16, 8 × 5 = 40, 8 × 5 कितना आ गया? तो D बराबर कितना आ गया भैया? 8 × 5 = 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। D बराबर कितना आपका? D इज इक्वल टू कितना आया आपका? 40 किलोमीटर। D का मान आया आपका 40 किलोमीटर। 40 क्यों आया गया? देखो 2 × 4 = 5/2, 5/1000, 5/1000 गुणित 3600, 2 जीरो से 2 जीरो गई है ना, 5 × 10, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, सॉरी, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 1 इसको दिया, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, ठीक है ना।